हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। हे गाइस, अभी हम लोग देखेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसको इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसका नोट्स और इस पर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो के दौरान समझ में आएगा कि कैसे क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सेल में बेसिकली देखो, सेल में आप लोगों को 6 क्वेश्चन फिक्स्ड रखो कि दो चैप्टर मिला करके या सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे ही 6 क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है, 6 क्वेश्चन। ठीक ना, अगर टोटल मिला दिया जाए, टोटल अगर इस चैप्टर को मिला दिया जाए द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल, तो टोटल दोनों को मिला करके कभी 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी 8 क्वेश्चन भी आते हैं और कभी 7 क्वेश्चन भी आते हैं। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है पूरे की पूरी बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, और उसके बाद सेल साइकिल से आता है। साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेला वो कभी 2 क्वेश्चन पूछता है, कभी 3 क्वेश्चन दे देता है, कभी 1 क्वेश्चन भी देते हैं। कब 1 क्वेश्चन देते हैं, जब यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस देना होता है उन्हें तब। ठीक ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, जिनका ये सही से क्लियर हो गया उनका सारा का सारा बायोलॉजी क्लियर हो जाएगा, ऑलमोस्ट सारा बायोलॉजी क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, और एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए काफ़ी एनसीईआरटी, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल के जाना है तो वो आप लोगों को नोट्स हो गया प्लस क्वेश्चन हो गया, 200 प्लस क्वेश्चंस हैं और इसका नोट्स है, नीट 2019 से पहले ही दिया था, और उसको उठाइए और देखिए कि उससे डायरेक्टली नीट 2019 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्टली उठाइए पेपर, नोट्स पढ़िए और उसको देखिए, और देखो बार बार नोट्स बनते नहीं हैं, एक बार जो नोट्स बन गए ये बार बार बुक नहीं चेंज होता है, एक बार जो बुक बन गया। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो छूटे हुए रहते हैं उसे चेंज किया जाता है एनसीईआरटी पे, हर एक साल रिव्यू किया जाता है, जब उन्हें लगता है कि कुछ चेंजिंग होना चाहिए तो वो लोग चेंज करते हैं हल्का फुल्का, पर बाकी ऑलमोस्ट सेम होता है। तो उसी तरह नोट्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, एक बार बन गया तो बन गया, बाकी जो लगेगा कि हाँ 2019 में ये चीज़ पूछा गया है, मे भी 2020 में इससे कुछ क्वेश्चन डिराइव हो जाए, तो उसके लिए 4 से 10 पॉइंट अलग से मैं बना करके डाल दूंगा। बाकी आप लोगों को जो डला हुआ है वही है सारा कुछ, और वो मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को लिंक। ठीक ना, लिंक मिल जाएगा और जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में आप लोगों का एक क्वेश्चन मैंने बोला था 2019 में आएगा, और आया भी सेल थ्योरी, और क्या पूछा गया था, ओमनी सेलुला और ई सेलुला रूडल विर्चो पे। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी से एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता था 2019 में, पर 2020 में सेल थ्योरी पे क्वेश्चंस नहीं बनेगा, और अगर बनाते हैं वो लोग तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों का दोनों याद रखना। अब रूडोल्फ विर्चो था क्या जी, बार बार बहुत बार बताया था नोट्स, 4 से 5 बार दिया नोट्स आप लोगों को, और उसे बताया भी था कि इनका कहानी क्या चीज़ था, रिवीजन भी बहुत बार करवाया था। सिचिल्डन एंड साचवान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया था, दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड, नया सेल्स कैसे बनता है वो एक्सप्लेनेशन इन लोगों के पास नहीं था। रूडोल्फ विर्को बोलो या विर्चो बोलो, जो बोल सकते हो आप लोग, प्रोनाउंसिएशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और प्री एग्जिस्टिंग सेल्स को ही बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला किसे बोलते हैं ये भी पूछा जा सकता है। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ सिचिल्डन एंड साचवान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टूडे इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकेंड नंबर वाला सबसे ज़्यादा, ऑल सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके लिए नीट 2020 के लिए या एम्स 2020 के लिए। अब ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ सेल है, एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, तो इसे पढ़ लीजिएगा ओवरव्यू ऑफ सेल। इस पे क्वेश्चंस आप लोगों का क्या बन सकता है वो मैं बताता हूँ, क्या क्वेश्चंस बन सकता है एक्चुअली, ये सारा कुछ आगे मिलेगा, प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक आगे मिलेगा, प्रोक्रियोटिक सेल यूक्रियोटिक सेल, शॉर्ट फॉर्म में इसे समझाया गया। अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो यहाँ से आप लोग एमसीक्यू बना सकते हैं, सेल डिफर्स ग्रेटली इन साइज शेप एंड एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ व्हाइल बैक्टीरिया कुड बी इतना, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ओस्ट्रिच अमंग द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल।
आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। बाकी आप लोग पढ़िए। देयर मे बी डिस्क लाइक पॉलीगन, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। द शेप ऑफ सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, तो यही वाला पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है, बाकी ये सब आगे मिल जाएगा आप लोगों को। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, सारा कुछ आगे मिलेगा। ठीक है, पर इसे पढ़ लेना एक बार। अब यहाँ पे आते हैं प्रोक्रियोटिक। प्रोक्रियोटिक में क्वेश्चन बनता है नीट 2019 में, ये वाला था, शेप ऑफ द बैक्टीरिया बेसिलस रॉड लाइक और कोकस स्फेरिकल विब्रियो कोमा। अब ये 2020 कर लीजिएगा, नीट 2020 में इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेल का शेप। और PPLO इम्पोर्टेंट है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसे माइकोप्लाज्मा एंड PPLO, ये दो चीज़ याद रखना आप लोग। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम लोगों का यहाँ पे प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे प्लाज्मिड देख लो, मार्कर दे रहा हूँ। प्लाज्मिड के बारे में जितना कुछ लिखा हुआ है वो सारा कुछ देखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, फिर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पढ़ लेना। बाकी इंपॉर्टेंट आता है ये ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स ट्रूमेंस में जो बुक रखे हैं ट्रूमेंस में, वो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में सही ढंग से पढ़ लीजिएगा। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है क्या नहीं होता है। डिफर्स इन द कम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी लूज सेथ कोल्ड द स्लाइम लेयर इन सम वाइल इन अदर्स इट में बी थिक एंड टफ कोल्ड द कैप्सूल। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोकैलिक्स। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर, आगे आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू डैट ऑफ यूक्रियोटिक्स। तो ये पूरा आप लोग याद रखिएगा, और पूरा एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है सेल का। ऐसा नहीं कि मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस पे, फिलामेंट हुक बेजल। किसकी बात हो रही है, फ्लैगलम की और पीली एंड फिम्ब्रिए की। तो पीली एंड फिम्ब्रिए ये देख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट पीली एंड फिम्ब्रिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आता है आप लोगों का पीली एंड फिम्ब्रिए देख लेना, ठीक ना, टोटल देख लेना। थोड़ा स्पीड इसलिए जाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता है। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज, नीट 2018 में था, नीट 2019 में आप लोगों को पूछे जाने वाला था, पर मे भी शायद आया था या नहीं आया था, मुझे याद नहीं है 2019 में, पर 2020 पे इस पे क्वेश्चन बन सकता है। पॉलीजोम्स एंड पॉली राइबोसोम्स किसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पॉलीजोम्स एंड पॉली राइबोसोम्स। और 50S एंड 30S, देखो मैथ यहाँ पे मत लगाना, 70S को अगर तोड़ा जाए तो वो 50S और 30S में मिलेगा, और 80S को तोड़ते हो तो वो कितना में मिलेगा, 60S, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, 60S एंड 40S में मिलेगा अगर 80S को आप लोग तोड़ते हो तो सब यूनिट सेल। ठीक है, समझ में आ रहा ना, 70S प्रोक्रियोटिक में होता है और 80S राइबोसोम्स आप लोगों का यूक्रियोटिक में होता है। तो इसे ब्रेक कर दे 50-30, इसे ब्रेक कर 60-40। नोट्स पढ़ना ना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर देगा, हाई लेवल तक सारा कुछ पकड़ के रखा है। जो कि NCERT में नहीं है वो सारा कुछ नोट्स में आपको है। ठीक है, 200+ क्वेश्चन है तो है उसमें कुछ। यूक्रियोटिक सेल्स पढ़ लेना सारा कुछ। सेल मेम्ब्रेन से आप लोगों का एक क्वेश्चन आना तय है नीट 2020। सेल मेम्ब्रेन 1920 नीट 2020 एक क्वेश्चन आना तय है सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, वो क्वेश्चन सारा कुछ नोट्स में दिया हुआ है, कैसे बन करके आता है क्वेश्चन। बाकी फ्लूइड मोजाइक मॉडल इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, और आप लोग सोडियम पोटेशियम पंप देख लेना, एनर्जी कहाँ पे लगता है और एनर्जी कहाँ पे नहीं लगता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, एनर्जी लगता है या नहीं लगता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है या नहीं होता है, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग। सेल वाल से आप लोग, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, द मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड ऑफ द ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल टूगेदर, इंपॉर्टेंट है ये। और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नीट 2020। ठीक है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से एक क्वेश्चन आना था नीट 2020 में। तो ये रहा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, कौन सा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। अब दे देगा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, तो उसमें से आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं होता। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्गी कॉम्प्लेक्स एज लाइसोसोम्स वैक्यूल्स सिंस फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट दिस आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, अब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम रेटिकुलम में रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो सिंपल सा फंडा मैं आप लोगों को बताता हूँ, डायग्राम पे आ जाओ। जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा उसे हम लोग बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और राइबोसोम्स का क्या चीज काम है, राइबोसोम्स का काम है हम लोगों का प्रोटीन्स का सिंथेसिस करना। किसका सिंथेसिस करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बना सकते हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे प्रोटीन का सिंथेसिस बोला जा सकता है, क्योंकि राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे। और जहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो जाहिर सी बात है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस में कोई हेल्प नहीं करता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता तो करता क्या है, तो वो लिपिड का सिंथेसिस करता है और सेवरल हार्मोन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिया लिपिड, तो एटलीस्ट लिपिड दिया हुआ होगा कम से कम, हाँ दिया हुआ। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इन एनिमल सेल। लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। कैसे प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम, बहुत लंबा कहानी है, जेनेटिक्स में आप लोगों को पूरा पढ़ना पड़ता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, mRNA हुआ, mRNA कैसे आया, mRNA भी पहले देखना पड़ता है, पहले तो RNA, DNA, फिर mRNA, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, mRNA हुआ, फिर mRNA के बाद आप लोगों का राइबोसोम्स होगा, राइबोसोम्स mRNA से आप लोगों का प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो वो देखेंगे हम लोग उसमें। गॉल्गी अपरेटस अगेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2020 लिख ही दिया है, तो गॉल्गी अपरेटस भी उसी का पार्ट आता है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है, नीट में एक क्वेश्चन आ सकता है जो 2019 लिखा है, मे बी वो 2020 हो जाए। लाइसोसोम्स इंपॉर्टेंट है, वैक्यूल्स देख लेना ये भी इंपॉर्टेंट है, पर चार चीज़ें तो इंपॉर्टेंट ही है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, लाइसोसोम्स और गॉल्गी अपरेटस। ठीक है, गॉल्गी अपरेटस ये इंपॉर्टेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अगेन नीट 2020, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही मतलब हॉट टॉपिक बोलते हैं इसे, और एक क्वेश्चन इस पे बनता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का रहा माइटोकॉन्ड्रिया, पूरा सही ढंग से पढ़ना, डायग्राम देख लेना, डायग्राम देख लिया आप लोग तो हो जाएगा काम, बन जाएगा एम्स के लिए। और शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे हो गया पोजेस सर्कुलर सिंगल सर्कुलर डीएनए, जिसे मैट्रिक्स इनर कंपार्टमेंट मैट्रिक्स होता है, फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कोल्ड क्रिस्टे टुवार्ड्स द मैट्रिक्स, क्रिस्टे इंक्रीज सरफेस एरिया, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, जिसके कारण पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। खत्म हो गया और कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, द टू मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया एट द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन, नॉट एनएरोबिक, ऑप्शन में वो लिख देंगे एनएरोबिक, तो इसे पहचानना पड़ेगा आप लोगों को। और एग्जाम का प्रेशर पे हम लोग नहीं पहचान पाते कि एनएरोबिक था कि एरोबिक था, उतना याद नहीं हो पाता, तो ये सब छोटे छोटे चीज़ों को याद रखना। ठीक है, तो एरोबिक रिस्पिरेशन, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड देयरफॉर पावर हाउस ऑफ द सेल। मैट्रिक्स पोजेस सिंगल सर्कुलर DNA, जो ऊपर में लिखा है वही सारा कुछ रिपीट है। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाई फीजन, इंपॉर्टेंट है फीजन, प्लास्टिड, पूरा का पूरा प्लास्टिड देख लेना नोट्स में, और भी अच्छे तरीका से लिखा है, प्लास्टिड देख लिया आप लोगों ने। प्लास्टिड के बाद अब आता है आप लोगों का, प्लास्टिड के बाद आता है राइबोसोम। तो राइबोसोम्स में आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे भी एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं 2020 के लिए, राइबोसोम्स एक्सपेक्टेड है 2020 के लिए, नीट 2020 के लिए। साइटोस्केलेटन ठीक है, पढ़ लेना साइटोस्केलेटन क्या चीज़ होता है। प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर टू एज साइटोस्केलेटन। फंक्शन इसका क्या चीज़ होता है, सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैगला अब NCERT में लिखा है तो पढ़ना ही पड़ेगा, और डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम एम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब आता है सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, पर न्यूक्लियस से क्वेश्चन आएगा 2020। न्यूक्लियस एंड लास्ट माइक्रोबॉडीज 2020 एक क्वेश्चन आने की संभावना है। पेरोक्सिसोम्स ग्लाइक्सोसोम्स ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है, स्पेरोसोम्स दोनों में पाया जाता है। अब ये सारा कुछ एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पर नोट्स में सारा कुछ दिया हुआ है। तो माइक्रोबॉडीज नोट्स ही पढ़ना ज़्यादा फायदा करेगा, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो उसके बाद नोट्स पे पहुँच जाओ सीधे डायरेक्टली, डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मिल जाएगा। तो यही था सारा कुछ आपको बताना था कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या पूछा जा सकता हो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं, डरना मत, समझ के पढ़ोगे तो सारा का सारा द यूनिट ऑफ लाइफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्लियर हो जाएगा, सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आओगे। और समझ के नहीं पढ़ोगे तो सेल का क्वेश्चन बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सेल, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर कर लेना, सम्मरी पढ़ना, 4 AMs सम्मरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स छोड़ो, बायोमोलिक्यूल्स के बाद हम लोगों को आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पहला तो हम लोगों का ये डायग्राम, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया था नीट 2019 पे, अरेंजमेंट पूछा था पहले क्या आता है क्या नहीं आता। तो G1S फिर G2 फिर S, यही इसी तरीका से अरेंजमेंट करना था। तो ये डायग्राम जिन्हें मालूम है वो सही तरीका से कर लेंगे। तो ये चैप्टर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट से ओवर हो गया और 15 मिनट से ओवर लेक्चर का वीडियो का टाइमिंग नहीं चाहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, इस पे भी देखेंगे, इसका नोट्स मैं बनाऊंगा, अभी नोट्स बना नहीं है, पर इसका क्वेश्चन सारा कुछ डाला हुआ है, क्वेश्चंस डाला हुआ है, सिर्फ नोट्स इसका डालना है, ठीक है, सिर्फ नोट्स इसका डालना हुआ है। खैर हम लोग सेल ये ख़त्म कर लेना पढ़ करके, और क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे बोला था 10-10 क्वेश्चन दूंगा, तो पहले 200 क्वेश्चन, उसके बाद टेस्ट जिस दिन आपका होने वाला है सेल का, उस दिन टेस्ट आएगा 50 क्वेश्चन का या जो भी नंबर का लिखा हुआ था। तो जितना इंपॉर्टेंट मैंने बताया वहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाएंगे। और करना क्या, आप लोगों नीट का जरूर पेपर लगा लेना, प्रीवियस ईयर नीट का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा 1998 और 1999, ठीक ना, सारा कुछ लगा लेना, एक बार में देख लेना, बनता है तो बनता है, नहीं बनता है तो छोड़ते चलो, पर देखना जरूर। क्वेश्चन रिपीट होता है, हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है, इस बात को याद रखना, खास करके सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।